2025 इज लिटरली लेस देन 2 months अवे। जिसको देखो अभी रिलैक्स कर रहे होंगे कि साल खत्म होने वाला है तो ये 2 महीना आराम से रेस्ट करते हैं। दे बिकम लेजी, दे पोस्टपोन थिंग्स एंड बेसिकली दे बिकम वेरी अनप्रोडक्टिव। बट नॉट यू एंड मी, बिकॉज वी आर गोना एंटर इनटू द विंटर आर्क। नाउ व्हाट इज दिस विंटर आर्क? कैसे हम अपने लाइफ को विंटर आर्क में चेंज कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी बिकम आर बेस्ट सेल्फ्स? तो आज के वीडियो में लेट्स डू ऑल ऑफ दिस थिंग टुगेदर। सो बेसिकली साल का जो आखिरी 2-3 महीना रहता है, अभी तो खैर ऑलरेडी नवंबर आ चुका है, बस नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर पूरा बाकी है। तो विंटर आर्क में बेसिकली हम जैसे न्यू ईयर में गोल्स बनाते हैं कि भाई जनवरी से सारा काम हम स्टार्ट करेंगे, विल बी प्रोडक्टिव, वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन और हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। अब उन 2 महीनों का इंतज़ार क्यों करना कि भाई न्यू ईयर में सब कुछ करेंगे? लेट्स स्टार्ट अर्ली बिकॉज वी आर हसलर्स। सो बेसिकली विंटर आर्क में यू हैव टू राइट सम गोल्स। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5, 6 या फिर 7 उतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा गोल्स लिखोगे तो यू विल लाइक लेथार्जिक एंड यू विल फील कि भाई इतना सारा कौन करेगा, इसलिए कम रखो, 2-3 भी रख सकते हो। गोल्स के साथ ही आप एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो आपको मोटिवेट करे, जिसको पढ़ के ही आपको लगे कि हाँ भाई ये काम तो करना है। मेरे केस में मैंने ये सारा विंटर आर्क का टू डू लिस्ट बना के रखा है जो कि मैं डेली फॉलो करने वाली हूँ एंड दिस इज़ माई मोटिवेशन लाइन। इसको पढ़ के आई विल बी मोटिवेटेड बिकॉज 60 days इज़ ऑल यू नीड टू चेंज योर लाइफ। अगेन सिर्फ लिख के रख दिया, कभी फॉलो नहीं किया, कभी फॉलो किया, कभी नहीं किया, ऐसे करने से तो क्या ही चलेगा। यू हैव टू डेडिकेटली फॉलो ईच एंड एवरी थिंग टास्क हमेशा डेली। अब मेरे केस में मैंने बहुत ही बेसिक सा लिखा है जो कि 6 गोल्स है एंड आई थिंक आई एम गोना फॉलो ईच एंड एवरी डे, और ये पॉसिबल है मेरे लिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल अपने लिए रखूँ तो दैट वुड बी वेरी इम्प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो प्रैक्टिकल है मैंने वैसे ही गोल सेट किया है, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना। आई थिंक आई कैन डू इट और आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। नेक्स्ट आई डेड पोस्ट डेली ऑन सोशल मीडिया, आई एम लिटरली वेरी इनकन्सिस्टेंट, तो उसको कंसिस्टेंट करने के लिए आई एम करेंटली रनिंग 100 डेज चैलेंज ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड आई थिंक मैं अपना संडे वीडियोज़ भी अभी मिस नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी से ही मैं प्रैक्टिस पर लग चुकी हूँ कि भाई आई हैव टू पोस्ट डेली ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट आई रोट रीड 10 पेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प बुक, तो ये भी आई थिंक आई कैन ईजिली डू इट बिकॉज आई लव बुक्स एंड रिसेंट टाइम्स में पहले मुझे फिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी आई लव नॉन फिक्शन, सो आई कीप ऑन यू नो रीडिंग सेल्फ हेल्प एंड 10 पेजेस आर रियलिस्टिक फॉर मी। आपके लिए अगर 10 पेजेस रियलिस्टिक नहीं है, 2 पेजेस है तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट आई रोट स्टडी एज मच एज पॉसिबल बिकॉज अपकमिंग मंथ्स में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम्स हो गया, फिर CUET का प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा कुछ काम है, तो आई थिंक आई रियली हैव टू स्टडी हार्ड एंड मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आई रोट कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। सो लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाती हूँ एंड पता है जब आप न्यू चीज़ें ट्राई करते हो ना, यू विल गेट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ कि इस टाइम पर मैंने ये किया था। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो यंगस्टर्स को बताना तो पड़ेगा कि हाँ दादी ने ये किया था। सो या दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। उसके बाद मैंने लिखा है 15 मिनट्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट से आई मीन एक्सरसाइज और सिंपली वॉक। तो एक्सरसाइज हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट एन एक्सरसाइज गर्ल, आई एम सॉरी, बट या दैट्स द रियलिटी। कभी कभार ठीक है बट मैं ज़्यादा नहीं कंसिस्टेंट हो सकती, तो एटलीस्ट आई कैन डू सम अदर थिंग्स, जैसे कि वॉक कर लिया 15 मिनट्स या तो कुछ तो कर लिया। तो आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी रियलिस्टिक फॉर मी। अगर मैं बोलूँ कि डेली मैं एक्सरसाइज करूँगी, आई थिंक मैं वो कभी डेली फॉलो नहीं कर सकती, सो आई रोट मूवमेंट इंस्टेड। दीज वेर माई गोल्स, यू कैन सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू यू, जैसा कि आपको पसंद है, जो आपको करना है एंड बेसिकली जस्ट राइट डाउन योर गोल्स। विंटर आर्क इज़ नॉट अबाउट ओनली जस्ट सेटिंग गोल्स एंड फॉलोइंग दैम, इट एक्चुअली मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हो। नाउ ठंड में ना किसी को पसंद नहीं है सुबह सुबह 5 बजे उठना या फिर 6 बजे उठना, बट इफ़ यू डू दैट यू डिसिप्लिन योर बॉडी बेसिकली। इवन आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट आई एम ट्राइंग टू डू एंड फॉलोइंग इट। और जैसे कि छोटे छोटे काम आप कर सकते हो, जैसे कि आप ठंड में ठंडे पानी से नहाना। And I've been studying for long today. तो सुबह से आई एम वेरी प्रोडक्टिव एंड पता है ऐसा अगर आप कोई चैलेंज लेते हो लाइक विंटर आर्क हो गया या फिर कुछ भी हो गया 75 डे हार्ड चैलेंज या कुछ भी, तो ना एक अंदर से वो रहता है कि ये चैलेंज कम्प्लीट करना है, इसको भी कम्प्लिश करना है एंड उसी चक्कर में आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हो एंड आप बहुत सारा टास्क एक ही साथ कर लेते हो, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड इसीलिए मैं ऐसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लेती रहती हूँ। लाइक शॉर्ट्स में मेरा ऑलरेडी एक चैलेंज चल रहा है, दैट इज़ 100 डेज चैलेंज। उसको मैंने सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंट होने के लिए स्टार्ट किया था एंड नाउ फॉर दिस विंटर्स आई एम ट्राइंग विंटर आर्क।
मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप भी विंटर आर्क ज़रूर से कीजिए, एंड अगर आप करते हो तो प्लीज़ डू शेयर मी योर जर्नी, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दिया रहेगा, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी देयर। एंड नॉट गॉन अ लाई, एग्जाम टाइम में थोड़ा ये बोरिंग हो जाता है बिकॉज आप बाहर जा नहीं सकते, थोड़ा फन ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम तो मेरे खैर अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आई विल बी फ्री एंड विंटर आर्ट को उसको भी मैं इन्जॉय करने वाली हूँ। लाइक आई विल गो टू प्लेसेस एंड सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चलेंगे, बहुत सारा नया नया चीज़ें, क्रेजी चीज़ें ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा। लाइफ में सब कुछ इन्जॉय करना चाहिए, नॉट जस्ट कि चैलेंज है जैसे तैसे घसीट घसीट के ख़त्म करना है, नो, लेट्स इन्जॉय एवरीथिंग बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी मैं जो पढ़ाई जो मैं पढ़ रही थी थ्योरी महात्मा गांधी का पार्ट, इसको कंप्लीट करके आई एम गोना हैव माय लंच एंड उसके बाद आई टेक अ स्मॉल नैप बिकॉज मेरा अभी रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है ना, स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है बिकॉज एग्जाम चल रहा है, लाइक रात को मैं देर तक जगी रहती हूँ एंड सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सो कभी कभार ये ठीक है, एग्ज़ाम के एक दो दिन मैं ऐसा करती हूँ तो वो ठीक है, इतना एक दो दिन तक ठीक है, बट उससे ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है बिकॉज स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कम्प्लीटिंग माई पोर्शन जो कि मैंने एम करके रखा था, आई वेंट फॉर अ क्विक 15 मिनट्स वॉक बिकॉज जैसे कि मैंने बोला था इट्स माई विंटर आर्क एम। तो यूसे एग्जाम टाइम है, जैसे मैं पहले नहीं निकलती हूँ वहाँ से बाहर, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट यू विल डू इट एनी हाउ, तो मैं 15 मिनट्स के लिए तो बाहर जा ही सकती हूँ। तो आई मेट दिस क्यूटेड लगेज, आके मैंने फिर लंच किया, आई जस्ट नाउ गॉट डन विथ माई लंच एंड नेक्स्ट आप अभी टेबल साफ करते हैं। मेरा टेबल का हालत गॉड बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो लेट्स जस्ट फिक्स इट। अनदर थिंग यू हैव टू डू इन योर विंटर आर्क इज कीप योर सराउंडिंग क्लीन। मेरा टेबल बहुत दिनों से पैसी था, सिंस एग्जाम चल रहा है मैं नोट्स निकाल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये बुक उसके ऊपर रख दिया, ये कॉपी उसके ऊपर रख दिया, सो इट वॉज रियली क्लटर्ड। तो आज मैंने सब कुछ साफ कर ही दिया है। आई टुक द नैप, एक घंटे का अलार्म लगा के फिर आई वोक अप एंड आई हैड गर्मा गर्म चाय ताकि मेरी नींद खुल जाए। देन मैं थोड़ी देर अकेले खुद के साथ बैठ करके आई वॉज रिफ्लेक्टिंग के वट ऑल थिंग्स आई डिड टूडे एंड वट ऑल थिंग्स आई स्टिल हैव टू डू टूडे। बेसिकली आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन माई डे। A few minutes back, I had tea and snacks, and मैं थोड़ा ऊपर बैठ के आई हूँ। And next up, we have to study again. तो मैंने आज का जो गोल बनाया है, I have to complete it anyway. जब winters आ जाता है तो बहुत आलस लगता है, सोते रहने का मन करता है। That's when you start working hard. जबकि आपको सोते रहने का मन है, सब आपके friends सो रहे हैं, but you have to wake up because you need to work for your future, for your better self and everything. So that's how things work out. And to all the people who are hustling in their life, to all the people who are struggling, having bad times, just stay calm. Stay calm, good times are coming soon. Do not get disheartened, have patience. Sabko apna apna phal zarur milega. Until then, please keep working hard. Because obviously अगर हम life में success चाहते हैं तो we have to work hard, there is no shortcut. Plus उसके ऊपर से sacrifices भी बहुत रहता है and self discipline is one of the most important thing I believe. And winter arc से आप बहुत ज़्यादा self discipline करना सीख जाओगे, you see. तो ये शाम को मैं पढ़ाई कर रही थी, अभी winters आ गया तो काफ़ी cozy लग रहा है, एकदम blanket वगैरह ओढ़ के पढ़ते रहो आराम से, it is cozy, मतलब कुछ भी चीज़ आप life में ज़रूर से enjoy कर सकते हो. तो I studied my portion and उसके बाद time हो गया था डिनर का, तो आई डिड माई डिनर और उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती थी, तो एज अ ब्रेक आई एम वॉचिंग दिस मूवी। मैं हमेशा एक एक घंटे देखती हूँ, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा रात को, मतलब एक मूवी ख़त्म होने में मुझे 3 दिन लगते हैं। और ये कौन सा मूवी है आप कमेंट में ज़रूर गेस करना, अगर आपको पता है तो कौन सा है। बाय द वे ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आई रिकमेंड कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर देखो। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि भाई अपने रिलेशनशिप्स को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर क्लोज वन, डियर वन। हमेशा हम अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें, फ्यूचर पे फोकस करें और फैमिली को ध्यान ना दें तो दैट विल बी वेरी फूलिश। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक डिस्टिंक्ट गोल्स अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो मैं पढ़ते पढ़ते बीच में बोर भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ एंड मुझे भूख भी लगने लगता है, तो इस दिन को मेरे पास चिप्स रखा हुआ था तो मैंने चिप्स ही खाया। और बाय द वे याद आया कि हेल्दी ईटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जंक कम्प्लीटली कट ऑफ करना तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना हम उसको कम कर सकिए उतना बेटर है। आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा कम खा रही हूँ जितना हो सके, हॉस्टल में रहने से फिर भी खाना हो जाता है बिकॉज आप कुछ कुक नहीं कर सकते, आपको रेडीमेड ही लेना पड़ता है।
और इसे पैकेट फूड में मोस्टली जंक ही होता है। हाँ कुछ कुछ हेल्दी भी होता है बट बहुत लिमिटेड होता है ऑप्शंस, तो इसीलिए बाकी घर में जाने से तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने लगती हूँ एंड बहुत वैरायटी भी होता है लाइक विटामिन प्रोटीन एंड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। एनी वेज इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स। बाय द वे मैंने स्किन केयर कर लिया थोड़ा सा बस एंड आई एम ऑल रेडी टू स्लीप एंड सोते सोते ऑलमोस्ट आज मेरे 1 बज गए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।